एज अब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ आ सेवेंटी फाइव मीटर हाई लाइट हाउस फ्राम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर थर्टी एंड फोर्टी फाइव इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहड द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स देखिए इसमें क्या एक लाइट हाउस दिया है तो वहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो कोई दो शिप्स तो एक एंगल बन रहा है थर्टी डिग्री एक फोर्टी फाइव डिग्री एंगल तो फाइंड आउट करनी है उनके बीच की लेंथ लाइट हाउस से कुछ दूरी पे हो तो देखिए क्या क्या है सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम इसका तो हम ये ए बीच एज्यूम कर लेंगे एज्यूम कर लेते हैं लाइट हाउस ए बी ये पॉइंट एज्यूम करेंगे हम यहाँ पे वन शिप एज्यूम करेंगे और यहाँ पे जो है सेकंड शिप एज्यूम करेंगे तो ये लाइट हाउस है तो यहां से जो है जो है डायरेक्शन जो बन रही है यहाँ के लिए सबसे पहले तो यहाँ से जो देख रहा है उसके लिए यहाँ से जो है थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री का एंगल बन रहा है सबसे पहला जो फर्स्ट एंगल है पहले शिप यहाँ पे है तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो है थर्टी डिग्री अब सेकंड शिप जो यहाँ पे है उसके लिए एंगल बन रहा है फोर्टी फाइव डिग्री जो क्वेश्चन में दिया गया है तो इन सब को पहले हम नाम दे देंगे इसको दे देंगे डी इसको सी इसको हम बी दे देंगे जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ये हो गया हमारे पास ए और यहाँ पे बन रहा है फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल जो ऊपर से देख रहा है लाइट हाउस के टॉप से ही फर्स्ट शिप शिप है तो ये क्वेश्चन मैंने में दिया है तो इन दो की डी सी इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने टोटल लेंथ फाइंड कौन करना है हमने डी टू बी तो हमने करना है डी सी का टोटल लेंथ तो यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का एंगल इसको नाम दे दो ए दे दिया हमने तो ये 45 एंड 30 तो इसकी हाइट दी है हमारे पास 75 मीटर्स सिर्फ क्वेश्चन में हमें यही दिया है बाकी हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है डाइग्राम अगर हमें समझ, समझ आ जाता है तो बाकी समझ में इतना डिफिकल्ट होता है इजी हो जाता है तो सबसे पहले इसमें ए बी दिया है तो क्वेश्चन में जो दिया है हम वो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया है सेवेंटी फाइव मीटर्स फाइव ए बी जो क्वेश्चन में दिया है तो उस हर बार की तरह सबसे पहले हम राइट एंगल फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है फोर्टी फाइव इसमें पुट करेंगे पंडित हुई होगा। पंडित होगा बद्री हर हर बोल सोना चांदी तोल साइन कॉज एंड टेन तो इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास दिया है और फाइंड आउट करना है हमने बेस डी एंड सी पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स तो टू शिप्स जो लाइट हाउस से दिख रहे तो uh, परपेंडिकुलर दिया है और फाइंड आउट करना है बेस तो so, परपेंडिकुलर दिया है फाइंड आउट करना है बेस तो so, इसमें लगाएंगे हम टेन so, तो सबसे पहले इसमें टेन फोर्टी फाइव इन ट्राइंगल यही लिख देंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी ए बी एंड सी में फाइंड आउट करें हम टेन कितना दिया है फोर्टी फाइव तो टेन हम फोर्टी फाइव तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस तो परपेंडिकुलर इसमें दिया है ए बी ए बी बेस दिया है बी सी तो बेस हम लगाएंगे तो यही करेंगे नेक्स्ट टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होगी इसमें वन तो हम यहाँ लिखेंगे

सेवेंटी फाइव तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से जो है बी सी फाइंड आउट कर लिया है ये वैल्यू अब हमने टोटल वैल्यू फाइंड करनी है बी uh, डी जब हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस वैल्यू को माइनस उस वैल्यू से हम बी सी माइनस कर देंगे तो टोटल बिटवीन टू डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू शिप्स तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इन राइट एंगल हमने ए बी सी में कर दिया अब हम करेंगे ए बी डी तो इन राइट एंगल राइट ट्राइंगल ए बी डी तो टेन 10, इसमें टेन थर्टी दिया है ए बी डी में थीटा है हमारे पास टेन थर्टी टेन थर्टी डिग्री तो टेन हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर पर बेस तो है अ, भी, ए बी ए बी बेस है हमारे पास बी डी बेस है बी डी तो आगे पुट करेंगे की वैल्यू होगी हमारे पास वन ओवर अंडर रूट थ्री टेन थर्टी इज टू वन ओवर अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक है तो इसमें हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को टेन थर्टी टू सबसे पहले ए बी ए बी की वैल्यू दी है 75 फाइव ओवर बी डी की वैल्यू हमारे पास बी डी हमने फाइंड आउट करना है बी डी तो बी डी इक्वल और टेन थर्टी की वैल्यू हमारे पास दी है वन ओवर अंडर रूट ऑफ थ्री तो वैल्यू यहाँ से बी डी क्या आ जाएगा हमारे पास तो क्रॉस मल्टीप्लाई बी डी ऊपर चल जाएगा और अंडर रूट थ्री जो है अंडर रूट थ्री ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम यही करेंगे बी डी इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव अंडर रूट थ्री देखिए अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है हमारे पास आ चुकी है बी सी की वैल्यू भी है और बी डी की वैल्यू भी है मतलब हमारे पास टोटल लेंथ भी है और इसकी यहाँ तक की लेंथ भी है हमें चाहिए डी सी की लेंथ तो हम डी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल लेंथ से जब हम बी सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही रह जाएगा और हमारा आंसर जो है आ जाएगा तो क्या करेंगे हम सी डी सी डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम सी डी इज इक्वल टू कैसे आएगा सी डी चाहिए हमें तो ये कैसे आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे हम बी डी माइनस बी बी डी माइनस सी तो खुद ही यही बच जाएगा हमारे पास माइनस सी माइनस बी सी तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यही पुट कर रहा हूँ मैं सेवेंटी फाइव अंडर रूट थ्री माइनस सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव बी सी की वैल्यू सेवेंटी फाइव बी डिग्री है सेवेंटी फाइव अंडर रूट थ्री तो हम यहाँ करेंगे नेक्स्ट स्टेप तो इसमें से देखिए कॉमन आ जाएगा हमारे पास सेवेंटी फाइव यहाँ सेवेंटी फाइव यहाँ भी सेवेंटी फाइव दिया है तो सेवेंटी फाइव इसमें कॉमन आ गया अंदर क्या बच गया यहाँ सेवेंटी फाइव कॉमन आ गया तो बच गया सिर्फ अंडर रूट थ्री माइनस यहाँ सेवेंटी फाइव बार हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया है वन नेक्स्ट स्टेप यही करेंगे हम सेवेंटी फाइव इंटू अंडर रूट थ्री को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं आप नहीं तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस वन और नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास यहाँ आगे करेंगे हम वन माइनस माइनस वन वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस वन तो ये आ जाएगा हमारे पास सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई माइनस करके बच जाएगा इसमें जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू तो देखिए इसमें लास्ट में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका जो है क्या आ जाएगा फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन तो ये हमारे पास आ चुकी है सी डी सी डी इज इक्वल टू फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन तो सी डी हमने लास्ट में फाइंड आउट कर लिया फिफ्टी फोर माइनस नाइन तो यही हमारा आंसर होगा